हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर में। गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरीके से धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस तरीके से किसान शायद कम हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किसान कितना तादाद में यहाँ पर मौजूद है। किसानों के साथ साथ यहाँ पर मौजूद मजदूर जो है वो भी पहुँच चुके हैं हमारे साथ में। पहले किसान था, अब मजदूर है, यानी कि अभी वो दिल्ली में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं। हम खुद ही इनसे पता करते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश कमल। कमलेश जी, आप अभी कहाँ, दिल्ली में रहते हैं या नो? मैं 15 दिन दिल्ली में रहता हूँ, 1.5 महीने गांव में रहता हूँ। ऐसा क्यों? यहाँ मोदी जी की कृपा से नौकरी चली गई, अब घर पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है तो जाके खेत में काम करना पड़ रहा है। खेत तो उनकी कृपा से चले गए जी। जब से आर्थिक पॉलिसी आई है, उदारीकरण जो 1991 से शुरू हुआ है, तो तब से ये सारे, पहले देखिए, पहले अपने देश में जो लेबर लॉ थे तो उसमें थोड़ा बहुत पूंजीपतियों को, उद्यमियों को थोड़ा डर था, तो थोड़ा बहुत मतलब जो श्रम कानूनों की बदौलत कुछ राहत थी। लेकिन 1991 से जो शुरू हुआ है वो, उसके बाद जब से ये रामराज 6 साल से आया है, तो उनको बेलगाम है उद्योगपति, वो को लेबर लॉ मानता ही नहीं। अभी हमारे कंपनी में जिसमें हम काम करते थे तो वहाँ करीब 200 लोग काम करता है, और वो कंपनी 100 प्लांट बनाती है, और वो टोटली लगभग 97% एक्सपोर्ट करती है। लेकिन वहाँ के मजदूर, वहाँ करीब 18 मतलब लेबर सिर्फ परमानेंट था, और बाकी सारी मतलब वो था कैजुअल बेस पे। लेकिन एक झटके में ही अभी 2018 में वो सबको बाहर कर दिया और पूरी कंपनी को ठेके पे ले आया। अच्छा, अभी कोई भी वहाँ पर नहीं है जितना लोग पहले थे? ठेके पे, ठेके पे। हाँ जी, यानी कि नौकरी का गारंटी खत्म हो चुकी है। नौकरी का गारंटी खत्म हो गया जी। तो अभी आप गांव में खेती करते हैं जी, और यहाँ पर अब आके 15 दिन के लिए क्या मजदूरी करते हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ मकान है अपना, जब यहाँ ड्यूटी करते थे उस टाइम यहाँ कोड़ा कॉलोनी पास में ही है, तो वहाँ अपना मकान है, तो बच्चे रहते हैं वहाँ, DU वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके साथ मिलने के लिए आ जाते हैं 10-15। यहाँ पर टोटल कितना मजदूर आए होंगे? बहुत सारे मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, हमें पता चला है, तो कितना मजदूर होंगे किसानों के साथ? देखिए, किसानों के साथ, देखिए एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो मजदूर कारखानों में काम करता है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 70% मतलब जो मजदूर है वो किसी न किसी तरह से वो गाँव से, किसानी से जुड़ा हुआ है, तो वो गांव में किसान हो जाता है, यहाँ आके वो मजदूर बन जाता है। तो अब चूँकि अटैक जो वर्तमान हुकूमत ने दोनों पे किया है, क्योंकि लेबर लॉ भी जो 44 जो कानून थे उनको 4 कोड़ों में इन्होंने बदल दिया, तो पूरा जो अभी तक, जो अभी भी पहले भी मतलब ये तानाशाही रवैया रहता था मैनेजमेंट का, लेकिन अब तो एकदम खुली छूट मिल गई। अभी साथियों से बात होती है तो बताते हैं कि भाई अभी जब कोरोना से के बाद जब कुछ साथी हमारे, एक दो साथी हैं यहीं पास में हैं, तो वो लौटे तो बोला कि 15 दिन ऐसे ही बिठा दिया, बोला काम नहीं है वापस जाओ। तो सर, ये जो कोरोना की बात में, ये जो अभी ट्रेनें चल रहे हैं इसका आपको किराया होगा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रिपल हो चुका है, हद से ज़्यादा किराए बढ़ रहे हैं, जो कि लोगों का कहना है, जो उसमें ज़्यादातर मजदूर लोग ही सफ़र करते हैं, और जब ट्वीट करके ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा सफ़र ना करें इसलिए टिकट का रेट बढ़ा दे रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है, इन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले तो ये सोच रहे, कहते थे कि जो घाटे में जो उद्यम चल रहे हैं उनको हम बेच रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी उद्योगपति घाटे का सौदा कभी स्वीकार नहीं करता, तो अब अडानी अंबानी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के अजीज दोस्त हैं, तो अब उन्होंने जो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, तो निजीकरण की प्रक्रिया के तहत ये रेलों को भी अभी सुनने में आया था कि 150 रेलें इन्होंने प्राइवेट कर दी हैं, तो प्रक्रिया तो वही शुरू है। दूसरी बात है, ये कोरोना जो इन्होंने आया है, अब कोरोना एक्चुअली मैं गांव में जून में, 14 जून से मैं गांव में हूँ, उसको 2 चक्कर में 15-15 दिन के लिए बीच में गांव से इधर भी आया हूँ, तो हमारे इधर गांव में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, लेकिन कोरोना के कारण जो गाँव में जैसे किसी को बुखार आ गया
तो वो इलाज करने के लिए जिसको शहर जाना था वो शहर नहीं आ पाया, या आया तो उसको इलाज के लिए डाल दिया गया। हमारी बांजी खुद जयपुर हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित थी, उसको कोरोना में डाल दिया, वो कोरोना में डाल दिया, उसके तीन या चार दिन बाद उसकी डेड बॉडी बाहर निकली। मतलब जो कोरोना से पीड़ित थी, जो मतलब सीरियस पोजीशन में थी, लेकिन उसको जो उसका कैंसर का इलाज न होके कोरोना का इलाज उसको में डाल दिया गया है, जिससे उसको जो प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो बेचारी दुनिया से चली। सर अभी मैं जब आई थी तो आप कुछ गुनगुना रहे थे, क्या गुनगुना रहे थे, बता रहे थे? अच्छा अच्छा, वो गजल में कह रहा था, आग दिल में है तो बाहर भी निकलनी चाहिए, आग दिल में है तो बाहर भी निकलनी चाहिए, दोस्त अब तो बर्फ दहशत की पिघलनी चाहिए, देखिए हर ओर मोबाइल खड़े हैं भेड़िए, जो पूंजीवादी के भेड़िए हैं वो हर ओर खड़े हैं, देखिए हर ओर मोबाइल खड़े हैं भेड़िए, खड़ग हाथों में तो फिर क्यों ना मचलनी चाहिए, यूं बिथा का बोझ हम सब कब तलक ढोते रहें, यूं बिथा का बोझ हम सब कब तलक ढोते रहें, है दवा कड़वी भी तो खुश हो निकलनी चाहिए, और आइए आगे बढ़े अंगार बनकर हम कमर, आइए आगे बढ़े अंगार बनकर हम कमर, चूल्हे तो घर घर जले बस्ती न जलनी चाहिए, चूल्हे तो घर घर जले बस्ती न जलनी चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।